हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश। हमारे हम टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर मशीन को हम रिपेयरिंग करने वाले और दोस्तों इसको हम रिचार्जेबल बनाने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह की ब्लड प्रेशर मशीन आपको घरों में या क्लिनिक में आपने ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, इसके ढक्कन को हमने ओपन कर लिया था तो दोस्तों इसके अंदर सेल लगते हैं, जो कि दोस्तों सेलों को दोस्तों बार बार चेंज करना पड़ता है और दोस्तों ये चार्ज नहीं होते दोबारा। तो दोस्तों, आज इसको हम रिचार्जेबल बनाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा दोस्तों आप इसको घर पे बना सकते हो उसको सही कर। तो दोस्तों, हमने इसको पहले से फिनिशिंग कर लिया था, जो कि दोस्तों इसके अंदर हमारी बैटरी वगैरह आएगी। तो दोस्तों, इसके एक्स्ट्रा प्लास्टिक थी इसके अंदर ऊपर, तो उसको हमने कट कर लिया और उसके अंदर एक होल कर लिया था, जबकि हमारे इसके अंदर चार्जिंग जैक लगने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस तरह का एक चार्जिंग जैक लिया है, जो कि सॉकेट है, जो कि यूएसबी मेल फीमेल वाला, जो कि मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों, 5 रुपये में आपको ये मार्केट में मिल जाता है, तो मैंने ये 4 रुपये में खरीदा है। तो दोस्तों, ये टीवी रिपेयरिंग की शॉप पर, और दोस्तों हमने ये बैटरी लिया है 500 mAh की, जो कि नेकमैन में से मैंने पुराने नेकमैन में से निकाला है। दोस्तों, मार्केट में भी दोस्तों 50-60 रुपये में मिल जाती है बैटरी। दोस्तों, इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, मैंने ये TP4056 मॉड्यूल लिया है, चार्जिंग मॉड्यूल है जो को, और फ्रेंड्स ये पावर प्रोटेक्शन मॉड्यूल है। दोस्तों, इससे हमारी बैटरी ज़्यादा ओवरफुल नहीं होगी, जिससे बैटरी ख़राब नहीं होगी। और फ्रेंड्स, हमने ये बिल्कुल बारीक वायर लिया है, जो कि मैंने पुरानी ईयरफोन से निकाला है। तो दोस्तों, इस तरह की ख़राब पुरानी पड़ी हुई ईयरफोन से मैंने ये वायर निकाला है। दोस्तों, इसके अंदर मोटे वायर लगाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर जगह बिल्कुल कम है दोस्तों, जो कि हम इसके अंदर बिल्कुल पतले वायर लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपने जैसे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो कि हम नई नई वीडियो हम अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये चार्जिंग जैक इसमें लग चुका है और दोस्तों अच्छी तरह से इसको टाइट कर लिया है। तो दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें लग चुका है। और दोस्तों, हमारे इसमें मॉड्यूल के ऊपर हम कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि ऊपर दोस्तों प्लस माइनस है, इसके अंदर हम सोल्डरिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये प्लस है, जो कि हमने सोल्डरिंग कर लिया है, और फ्रेंड्स ये माइनस है, तो दोस्तों माइनस में भी हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। तो हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। और दोस्तों, हम बैटरी के वायर लगाएंगे बीच वाले, क्योंकि 2 पिनें दिखाई दे रही होगी, तो दोस्तों उसके अंदर हम लगाएंगे। तो दोस्तों, प्लस को हम लगा लिया और माइनस में भी इसको लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी 2 वायर जो कि आउटपुट में है, उनको भी हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर भी सोल्डरिंग कर लिया है। तो हमारे वायर इसमें माइनस में लग चुका है और फ्रेंड्स ये प्लस वाला है। तो दोस्तों, आउटपुट में लगाना है दोस्तों, जो कि हमारा ये ब्लड प्रेशर मशीन जो कि अच्छी तरह से चलेगी और ख़राब नहीं होगी। और फ्रेंड्स, हमारा कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही, और दोस्तों हम बैटरी के ऊपर टेप लगाएंगे, जो कि दोस्तों कोई वायर वगैरह इस पर टच नहीं हो, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जिससे हमारी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने बिल्कुल ही अच्छे से इसको कनेक्शन कर लिया है और इसको कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, हम इसके अंदर इसको लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कि स्प्रिंग टाइप में दिखाई दे रही होगी, उसको हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारा कोई काम नहीं आएगा। तो हमने इसको निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल ये, और ये दोस्तों ये 2 पिनें दिखाई दे रही है, जो कि प्लस माइनस है। बड़ी वाली पिन है जो कि माइनस है, और छोटी वाली बिल्कुल दिखाई दे रही होगी वो प्लस है। तो हमने माइनस में इसको सोल्डरिंग कर लिया है। और हमारी ये छोटी वाली पिन है जो कि अंदर ग्रीन वायर है, उसको हम प्लस में उसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इसमें प्लस भी इसमें लग चुका है, तो हमने सोल्डरिंग कर लिया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा ये हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसको
इसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों फिट बिल्कुल ही इजी तरीके से हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर हम टेप लगाएंगे जो कि हमारी दोनों पिनें बिल्कुल सेफ रहेगी और कोई इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, टच नहीं होगी पिनें, क्योंकि हमारा मॉड्यूल वगैरह ख़राब नहीं होगा, बैटरी भी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसके अंदर बैटरी फिट हो चुकी है हमारी। और दोस्तों हमारी मॉड्यूल भी इसके अंदर नीचे जो कि जगह दिखाई दी है, तो दोस्तों इसके अंदर हम लगा लेंगे। दोस्तों इसको इसके ढक्कन को दोस्तों इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो हमारा ये इसका ढक्कन भी इसमें फिट हो चुका है। और दोस्तों इसके अंदर हमने पहले से एक बारीक होल कर लिया था। तो दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर मशीन बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और चल रहा है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। और दोस्तों हमारे ये चालू हो चुका है और इसके अंदर वैक्यूम भरने लगी है। देखिए दोस्तों इसके अंदर हवा भरने लगी है, बिल्कुल ऑन हो चुका है ये। तो हमारा ये बिल्कुल ऑन हो चुका है, स्टार्ट कर लिया है दोस्तों हमने। तो दोस्तों इसके अंदर वैक्यूम भरने लगी है। दोस्तों देखिए दोस्तों हवा बिल्कुल अच्छी तरह से और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर से भर जाता है। तो दोस्तों इसको दबा दबा के दोस्तों इसके अंदर अच्छी तरह से हवा भर लिया है हमने, बिल्कुल फुल भर लिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ख़राब होने वाला जल्दी नहीं है और दोस्तों इसको हम चार्ज करके चला सकते हैं। देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम इसके चार्जिंग लगा के देखेंगे। तो दोस्तों हमारा चार्जिंग पिन हो चुका। और दोस्तों इसके अंदर हमने पहले एक होल कर लिया था जिसके अंदर हमको इस एलईडी के बारे में हम दिखाई देगा। दोस्तों अभी इसके अंदर रेड दिखाई दे रही होगी जो कि चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। जल्दी हम नई वीडियो के साथ हम मिलने वाले हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। जल्दी हम नई वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। जय हिंद।